السلام علیکم، میں خاور حسین سن تقریر اپنا فیملی یوٹیوب چینل کی ایچ پی لاگ میر پر امید کرنا سارے بھن بھرا ٹھیک ٹھاک ہسو خیریت نال ہسو اج تھی پتا سنا احتجاج نا پنجواں دن ہے تو سارے بھرا اصل کٹھے ہو کے جا رہے ہیں پیارے بھائی بیٹھے ہیں جیب ٹھاکر صاحب سارے پی ڈبلیو ڈی ورکر یونین نے صدر صاحب تو اصا احتجاج جا رہے ہیں سارے ہائی وے کھلی کے نال سارے بھرا باقی رہنا احتجاج جا کے دسنے سے جی اس حال ہے اے موسم سارا بہت ہی پیارا ماشاء اللہ رات تھوڑی بہت بارش ہوئی گئی ہے گرمی کافی سی اللہ کیتا گرمی کا زور تھوڑا دوستوں ٹوٹ گیا تو بیک کیمرہ آن کر کے شہر کا ویو تھوڑا دسنے دوستوں کی چل رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی ظلم و ستم آئے آئے ظلم و ستم آئے آئے گنڈا گردی آئے آئے گنڈا گردی آئے آئے دال مہنگی آئے آئے چینی مہنگی آئے آئے دال مہنگی آئے آئے بہت ہی پیارا موسم ہے شہر میں چاہتے یہ کیا چاہتے
سب مل کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ انسانیت، نعرہ حیدری، بھارتی واسطو، بھارتی واسطو، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، لودھی کتا، لودھی کتا، لودھی کتا، لودھی کتا، اور اس کے علاوہ جملہ مکاتب فکر سے رکھنے والے خواتین خواتین و حضرات شریک ہوئے، جو اس بات کی غمازی ہے کہ نہ کشمیری کل اور نہ کشمیری آج ہندوستان کے باسبانہ قبضے کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج کے اس مستقل پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اور باعزت نام سے کرتے ہیں۔ میں نبی مجید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کے اس جمعہ مبارک کا مقصد، آج ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے اس پار اور اس پار تمام کشمیری سراپا احتجاج ہوئے جو پچھلے 75 سال سے ہندوستان نے ریاست کے ایک بڑے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہندوستان میں نہ صرف 7 لاکھ سے زائد افواج تعینات کر رہی ہے بلکہ انسانی بنیادی حقوق کو بھی آئے روز پامال کر رہا ہے۔ آج کے اجتماع کے معاہد مقرر میں گزارش کروں گا راجہ محمد بشیر صاحب سے کہ وہ آئیں
और सामीन से मुआतल होने के अलावा आज मरकजी सदर आपका कि वो आम घंटे करारदाद भी पेश करेंगे, उसके बाद नाम डिप्टी कमिश्नर जुमला अदाब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मैं सबसे पहले जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वो मसीहा का जिसमें सिविल सोसाइटी और उसके अलावा जुमला मुकातबे फिक्र से रखने वाले खवातीन और हजरात शरीक हुए, जो इस बात की हमाजी है कि न कश्मीरी कल और न कश्मीरी आज हिंदुस्तान के बासबाना कब्जे को तस्लीम करते हैं। आज के इस मुस्तकिल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत और बाइज्जत नाम से करते हैं। मैं नदीम नदीम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तलावत कलाम पाक से उसका आगाज फरमाएं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आज के इस जुमे वजीर का मकसद आज हिंदुस्तान के योम आज़ादी के मौका पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के इस पार और उस पार तमाम कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं, तो पिछले 75 साल से हिंदुस्तान ने रियासत के एक बड़े हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे हिंदुस्तान में न सिर्फ 7 लाख से ज़ायद अफवाज तैनात कर रखी है बल्कि इंसानी बुनियादी हकूक को भी आए रोज सामान कर रहा है। आज के इज्तम के माहिर मुकर्रर मैं गुजारिश करूँगा राजा मोहम्मद रशीद साहब से कि वो आए और सामीन से मुआतल होने के अलावा आज मरकजी सदर आपका कि वो आम घंटे करारदाद भी पेश करेंगे, उसके बाद नाबे डिप्टी कमिश्नर जुमला अदाब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मैं सबसे पहले पुस्तकाली झंडा था जिस पर अभी तक आपने अमल दरामद नहीं किया, आज हम रियासत के अफसर हमारे कश्मीरी जानवी हमारे पास पुरुष करना हमारे पास कश्मीरी को आगाम दूसरी करना हमारे पास भारतीय जानवी को मजबूत करना हमारे पास आदमी को तथा बर्बाद करना हमारे पास कश्मीरी को करना हमारे पास कश्मीरी शहीद हो रहे हैं हमारे पास खुद के दर्जा को बुलंदी अदा करना हमारे पास उनकी शहादत के सत्य हमारे बच्चे जफारों शहादत नसीब फरमा जो सारे जहाज अता फरमा मौला पाक हमें हिंदुस्तान की तरफ पर गर्व अता फरमा रसूलुल्लाह अभी ऐसा भी रोल है नाम है तो हम हमारे जारी सप्लाई जो वो जारी रहता है हमेशा की तरह जान लें सब आपों को मानने इलेक्ट्रॉनिक खा गए कुत्ते।
के मेरे साथ नारे का जवाब देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदा खजाना, जिंदा खजाना, साडे मुताबात, साडा हक, साडा हक, सगरी मालियात, सगरी मालियात, सगरी मालियात। तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। ये किसी तंजीम का मसला नहीं, ये यहाँ पर हर मुलाजिम का मसला है। आज आपने यहाँ पर भरपूर तरीके से शिरकत करके ऐवानों को ये पैगाम देना है कि हम अपना हक लेना जानते हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम अपना हक उनसे छीन के लेंगे। तो तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। आजाद कश्मीर की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि खवातीन ने किसी एहतजाज में शिरकत की हो, लेकिन मैं आज उन बहनों को सलाम पेश करता हूँ जिन बहनों ने अपने हक के लिए आज चौक शहीद में हुकूमत आजाद कश्मीर के लिए फैसला और बिल हसूद और बिल अमूम सच्ची मालियात आजाद कश्मीर के खिलाफ सलाह एहतजाज है। मेरे बहनों ने यहाँ पर स्टेज पर आकर इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में अपने खैरात का इजहार किया और उन्होंने ये बताया कि सच्ची मालियात तुम पाकिस्तान से हो और जो खत्ता आजाद कश्मीर है इसके लोगों का आदू दरबा तुम नहीं जानते। जब ये लोग अपने हक के लिए निकलते हैं तो इंशाल्लाह ताला अपना जो कश्ती है उनको चला कर निकलते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। लिहाजा तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने अगले 24 घंटों के अंदर अंदर मुलाजमीन के बुनियादी हकूक के लिए ऐलान न किया तो इंशाल्लाह ताला दमादम मस्त के अंदर हम मुजफ्फराबाद में करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या हो और हम क्या है। लिहाजा हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारी शराफत को अमदारी हमारी कमजोरी ना समझना बल्कि हमें शराफत नहीं रहने देना। अगर हम अपनी शराफत से पार हुए तो इंशाल्लाह ताला तुम्हारा गिरेबान होगा और हम मुलाजमीन का हाथ होगा इंशाल्लाह ताला। आज के इस इज्तम से मैं तमाम अपने मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेशन की। अपनी खवातीन बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस बड़ी तादाद में उन्होंने पार्टिसिपेशन की। आप लायक तहसीन हैं। मैं राजा रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इज्तम ये काल मुलाजमीन को दी और मुलाजमीन उनको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली सदर मसूद राठौर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी रावल वजीर खजाना माजिद खान को यह पैगाम देता हूँ कि आप तुम गांधी से मुंतखब हो और गांधी के दो वोट मेरे हैं तो कुछ शर्म करो, जान छुड़ाओ। हमारी भी पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, चारों सूबों में हो चुका है, नाफिज हो चुका है। बजट में शामिल होने के बावजूद भी तुम नए कमाल से काम ले रहे हो। हमें पता है कि आपकी कार्रवाइयाँ कुछ और हैं, उसका भी हम मुआवजा करेंगे। जब वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आजाद कश्मीर है या क्या है। राय मेहरबानी लाल वजीर आजम तनवीर इलियास मतवजो हूँ और उनको मजबूर न किया जाए कि हम तालाबंदी की तरफ जाएं। यही दो तीन दिन है, आप जारी करें वरना हमें रास्त कदम उठाना आता है और उठाएंगे भी। मेरे सदर वजीर आजम कायदे कश्मीर पसंद है, कायदे कश्मीर यासर सुल्तान साबक मिनिस्टर एजुकेशन कर्नल वकार, आपसे अपील की है मकबूल चौधरी
आपसे अपील की है कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। एक ही मुतालबा हमारा कि नोटिफिकेशन जारी हो। क्यों नहीं करते आप नोटिफिकेशन जारी? सिर्फ एक दावा बंद हुआ है, तालीमी बोर्ड बंद हुआ तो आपको लग पता जाएगा। और मैं, ये मेरी शराफत है कि हम रास्ता कदम नहीं उठा रहे, आपको बार बार मौका दे रहे हैं। बड़ा मेहरबानी माजिद खान, कान खोल के सुन लो, बहुत गर्मी है, दो तीन दिन हम बर्दाश्त करेंगे तुम्हें, उसके बाद सब चलाया अमल देंगे। और आखिर में आज मैं जमहूरी इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ यौम सियाह के मौका पर। भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहलाता है, जिस तरह उसने मकबूजा कश्मीर में 35A नाफज करके 42 लाख हिंदुओं का डोमिसाइल जारी किया और तशख्स खत्म करने की कोशिश की, इंशाल्लाह हमारे कश्मीरी हुर्रियत रहमान।